सिराते मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी दबाएं ताकि ताज़ा तरीन खबर आप लोगों को फौरन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? एक बहुत ही ताज़ा तरीन खबर यानी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सऊदी अरब में आपको जैसे पता है कि हर रोज़ नए नए कानून कानून में चेंजिंग आ रही है और इसी तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान ने ऑर्डर किया है कि ख्वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाएगा। अब ख्वातीन भी सऊदी अरब में ड्राइविंग कर सकती हैं जैसे मर्द लोग करते हैं। तो इसी तरह से इस साल सिलसिले में 30 दिनों के अंदर अंदर सारी रिकमेंडेशन यानी कि जो भी ज़रूरियात हैं किस तरह से इस सारे प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा वो सारी पेश कर दी जाएंगी और इस तरह से इसमें वो सारे ख्वातीन उसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करेंगी जिस तरह से मर्द हजरात हासिल करते हैं। तो ये एक न्यू एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है सऊदी अरब में, क्योंकि गल्फ़ कंट्री में जो पहले इससे पहले वो गल्फ़ कंट्री में तो लेडीज़ जैसे कतर में यूएई में ड्राइव करती थी कार गाड़ी को, मगर सऊदीया में इस पर पाबंदी थी और मगर अब ये पाबंदी अकॉर्डिंग टू सऊदी गजट ये उठा ली गई है। तो इस तरह से अब जो भी सायफास के वीज़े पे बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते थे सिर्फ इसी वजह से कि ख़वातीन ड्राइव नहीं करती थी, उनके स्कूल में लेके जाना और उनको बाज़ारों में लेके जाना, इस तरह से सायफास के जो अब लोग काम करते थे उनकी जो है जॉब जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। तो इस तरह से एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो मैं आप लोगों को सोचा फौरी तौर पर शेयर करूँ। तो मेरे भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें न्यूज़ को और इसको लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अस्सलाम वालेकुम।